सारे किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का उचित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। वन नेशन वन मंडी किस परिकल्पना को साकार किया जा सके, और आज वही दल भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर एपीएमसी एक्ट के तहत संशोधन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है, उसने भी कल के देश के बंदी की घोषणा का समर्थन किया है। आजादी के बाद किसानों के हित में लिए गए ये सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं। कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं, जिसको लेकर के देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, खासतौर पर एपीएमसी एक्ट जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर शासन किया था, उस सरकार में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार 2004 से 2014 तक देश के अंदर शासन की, यूपीए की उस सरकार में एनसीपी लेफ्ट डीएमके समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी टीएमसी जैसे राजनीतिक दल या तो सरकार में शामिल थे या सरकार को समर्थन कर रहे थे। उस समय यूपीए सरकार ने 2010 और 11 के समय देश के विभिन्न राज्यों को पत्र भेजे थे, और खासतौर पर उस समय के कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी ने पत्र भेजे थे मुख्यमंत्रियों को कि स्टेट का एपीएमसी एक्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है, और एक मॉडल एक्ट भारत सरकार इसके लिए तैयार कर रही है, इस मॉडल एक्ट के अनुसार ही इसे देश के अंदर लागू किया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि किसी सरकार के कृषि मंत्री राज्यों को पत्र लिख रहे होंगे तो बगैर शासन के मुखिया के या जिस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उस पार्टी के मुखिया को इस बात की जानकारी न हो, यह बड़ी अजीब सी बात है। भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का उचित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। यही नहीं, यूपीए सरकार या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भले ही किसानों को अपना हथियार बनाते रहे हों, लेकिन किसानों के हित में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने में सदैव संकोच करते थे या उनको उसके बारे में कोई सोच नहीं थी। जब कृषि संबंधी सुधारों को मोदी जी के नेतृत्व में
अभी लागू किया गया। लागू होने के पहले स्टैंडिंग कमेटी में यानी संसद की कृषि संबंधी जो स्थायी समिति होती है उस स्थायी समिति की बैठक में पहले इस पर विस्तृत चर्चा हुई। स्थायी समिति की बैठक में भी अकाली दल ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, इन सभी ने एपीएमसी एक्ट में, राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी, जिसके तहत वन नेशन वन मंडी किस परिकल्पना को साकार किया जा सके। और आज वही दल भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर इन सभी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूंगा, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एपीएमसी एक्ट के तहत संशोधन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है, उसने भी कल के देश के बंदी की घोषणा का समर्थन किया है। इनके दोहरे चरित्र को देखें, जब सत्ता में रहते हैं इनका आचरण कुछ और होता है, इनके वक्तव्य कुछ और होते हैं, संसद की स्टैंडिंग कमेटी में बैठते हैं वहां पर इनके वक्तव्य कुछ और होते हैं,